हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और अभी तक जो हमारा पिछला जो लेक्चर रहा है अभी तक आप आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसे एक बार दो बार आप उसे रिपीट करें समझें, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए आज का जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग आज देखते हैं कौन सा टॉपिक हमारा है जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कुछ डिजीज, उसके जो सिम्टम्स या साइंस, कैसे साइन को देखे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डिजीज है ये, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज। आज का जो टॉपिक है हमारा माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। ओके, प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ परपेचुएशन एंड मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। मतलब किस मतलब जो पैथोजन होता है कैसे परपेचुएट करता है, कैसे अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है, ठीक है। उस बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज, ठीक है। पैथोजन किस बेसिस पे वो कॉज कर रहा है प्लांट्स में, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ द इनोकुलम। मतलब जो भी पैथोजन के जो पार्ट है वो कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन हो रहा है फर्दर, ठीक है। उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट्स अफेक्टेड, पैथोजन प्लांट के किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है वो हो गया, ठीक है। उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म, मतलब पैथोजन किस कॉजल ऑर्गेनिज्म से, फंगल है, बैक्टीरियल है, वायरल है, उस किस कॉजल ऑर्गेनिज्म में उस ग्रुप पे देखेंगे, ठीक है। वो किस ग्रुप में किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस एंड कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट, मतलब ऑकरेंस बोले तो जो पैथोजन किसी भी क्रॉप में डिजीज ऑकर करते हैं तो क्या वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होते हैं या किसी लॉन्ग लार्ज मतलब लार्ज एरिया में होते हैं या पूरे कंट्री में होते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो उस बेसिस पे उसका क्या इफेक्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन्स अफेक्टेड, मतलब प्लांट का कौन सा ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहा है, पैथोजन अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। देना है आपका इसमें ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट क्रॉप प्लांट्स अफेक्टेड, इसमें क्या है, पैथोजन जो है किस होस्ट क्रॉप प्लांट्स को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उस बेसिस पे है। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड ऑन होस्ट प्लांट्स, मतलब होस्ट प्लांट पे पैथोजन कैसा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग देखते हैं आगे, आगे का हमारा क्या है, मैं इसे हटा देता हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ परपेटुएशन एंड मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। ओके, पहला क्या है, सॉयल बॉर्न डिजीज, ठीक है। मतलब जो डिजीज होते हैं सॉयल के थ्रू उनका उस डिजीज का उत्पन्न होता है। डिजीज कैसे उत्पन्न होते हैं, जब पैथोजन सॉयल में सर्वाइव करेगा तो उसी वही पैथोजन का जो भी स्टेजेज होते हैं, एक लार्वा प्यूपा जो भी एडल्ट जो भी स्टेज होते हैं वो क्या करेगा, उस मिट्टी में सर्वाइव करते हैं और जैसे जैसे उनका ग्रो होता है तो ऐसे क्या करते हैं, वो सॉइल के माध्यम से डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इन दिस डिजीज द पैथोजन सर्वाइव इन सॉइल और इन्फेस्टेड प्लांट डेब्रिस लाइंग इन सॉइल आइदर एज दे आर रेस्टिंग स्पोर्स और एज माइसीलिया स्ट्रैंड्स एंड राइजोमॉर्फ्स, दे ऑल अटैक द रूट सिस्टम ऑफ होस्ट प्लांट्स। इस सॉइल बॉर्न डिजीज कैसे है, इसमें जो पैथोजन होते हैं, जो पैथोजन कहाँ सर्वाइव करते हैं, मिट्टी में या इन्फेस्टेड प्लांट डेब्रिस, प्लांट डेब्रिस डेब्रिस बोले तो जो भी उसके जो वेस्ट पार्ट होते हैं या एक तरह से जो भी उसके जो रूट स्टॉक हो गए या जो भी उसके लेफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट के, उसमें क्या करते हैं, पैथोजन सर्वाइव करते हैं। ओके, और कैसे, मतलब स्पोर्स के थ्रू, ठीक है। इन सवाल आइदर एदर जो भी उनके स्पोर्स होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, वो अपने स्पोर्स के माध्यम से उसमें सर्वाइव करते हैं या माइसीलिया स्ट्रैंड्स, जो भी माइसीलिया क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के जैसे वो उसमें रेस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट डेब्रिस में या मिट्टी में, और उसके माध्यम वो सर्वाइव करते हैं उसके थ्रू, और जब सर्वाइव उसमें करेंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे, उसमें उसके रूट सिस्टम को अटैक करते हैं, ठीक है, होस्ट प्लांट्स के, और इन दिस वे वो डिजीज ऑकर करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज। और ये मोड ऑफ परपेटुएशन का मतलब क्या है कि ये जो डिजीज है या पैथोजन है सॉइल के थ्रू अपना परपेटुएशन कर रहा है, ठीक है। और प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, सॉइल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, डैम्पिंग ऑफ, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, पाइथियम स्पीसीज, सीडलिंग ब्लाइट, ठीक है, ये डिजीज के नाम है। उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, फाइटोप्थेरा,
स्पीसीज या फ्यूजेरिया में स्पीसीज। ओके, दूसरा क्या है क्लासिफिकेशन हमारा, ईयर बॉर्न डिजीज। कुछ ऐसा पैथोजन होते हैं जो ईयर के माध्यम से डिजीज कॉज करते हैं, एयर के माध्यम से वो क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट होकर डिजीज कॉज करते हैं किसी भी प्लांट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, ये तो ये सोयल बॉर्न प्राइमरी एक तरह से कह सकते हैं और एयर बॉर्न में आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पैथोजन होस्ट प्लांट को एयर के थ्रू नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये किस कैसे परपेटुएट हो रहा है एनवायरनमेंट में, एयर के थ्रू हो रहा है। जैसे कि रस्ट डिजीज होते हैं, पाउडर मिल्ड्यू ये सब हो गए, लूज स्मट्स ब्रिंग अबाउट, ये सब जो डिजीज हैं ये क्या करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को लाते हैं थ्रू एयर। हो सकता है यही डिजीज जो सोयल बॉर्न के थ्रू जो डिजीज हो रहा है, जो भी पैथोजन सोयल में रह रहा है उसके माध्यम से जो डिजीज ऑकर हो रहा है, वही डिजीज ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है दूसरे प्लांट में, तो वो क्या हो जाएंगे एयर बॉर्न डिजीज थ्रू। उनका परपेट्यूशन किससे हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है, और वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या है सीड बॉर्न डिजीज, सम पैथोजन सर्वाइव एज डॉर्मेंट। ठीक है, माइसीलियम इन द सीड्स और अदर प्रोपेगेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ होस्ट प्लांट्स। कुछ ऐसे मतलब सीड के थ्रू भी कुछ ऐसे सीड पैथोजन होते हैं जो सीड में ही एक तरह से माइसीलियम के रूप में उसमें डॉर्मेंट स्टेज में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, या उसके प्रोपगेटिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू उस होस्ट प्लांट्स में सर्वाइव करते हैं, जिसके माध्यम से क्या करते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे कि लूज स्मट ऑफ वीट, वीट में जो भी लूज स्मट डिजीज होता है उसी के माध्यम से क्या होता है उसमें सीड के अंदर में ही वो रह जाते हैं, जिससे कि वो फर्दर प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज डिजीज आर क्लासिफाइड एज इन्फेक्टियस प्लांट डिजीज, नॉन इन्फेक्टियस प्लांट डिजीज। ठीक है, इन्फेक्टियस का मतलब इन्फेक्शन किसके थ्रू फैल रहा है, इन्फेक्शन किसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय लिविंग एजेंट्स द पैथोजन, ऑल द पैथोजन आर पैरासिटिक ऑन प्लांट्स। इसमें जो डिजीज जो कॉज हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं पैथोजन कैसे हैं लिविंग एजेंट्स हैं। ठीक है, तो वो क्या है इन्फेक्शन इन्फेक्टियस प्लांट डिजीज में है, ऑल पैथोजन्स आर पैरासिटिक ऑन प्लांट्स, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। ये जो पैथोजन होते हैं इनका एबिलिटी होता है फास्ट, ये जल्दी ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है इन्फेक्टियस, ये इन्फेक्शन कॉज करने में इनका ज़्यादा होता है एबिलिटी ज़्यादा होता है, और ये लिविंग एजेंट्स के थ्रू ये डिजीज ऑकर होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है जैसे एग्जांपल इसमें क्या है पाउडर मिल्ड्यू रस्ट डिजीज ये सब किस कैटेगरी में है आगे इन्फेक्टियस। ठीक है, इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज में। ठीक है, ये लिविंग एजेंट्स के थ्रू ये डिजीज ऑकर होते हैं, नॉन इन्फेक्टियस दिस डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। ये डिजीज क्या है प्लांट टू प्लांट स्प्रेड होते हैं और नॉन इन्फेक्टियस वाला डिजीज है। इसमें नॉन इन्फेक्टियस क्यों कहते हैं क्योंकि ये हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें लिविंग एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें ये जो डिजीज होता है एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू कॉज होता है। ठीक है, नॉन पैरासिटिक या फिजियोलॉजिकल। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स बोले तो टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, न्यूट्रिएंट्स के वजह से हो गए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया क्लासिफिकेशन किस पे हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज। ये कॉज जो डिजीज हो रहे हैं किसके थ्रू कॉज हो रहे हैं, इन्फेक्टियस मतलब किसके थ्रू लिविंग एजेंट्स के थ्रू, नॉन इन्फेक्टियस एबायोटिक फैक्टर के थ्रू। ओके, आगे हम लोग मूव करते हैं अगला स्लाइड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ द इनोकुलम। मतलब प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एक ही साल में इनका प्रोडक्शन हो जा रहा है और डेड कर जा रहे हैं, या दो साल में हो रहे हैं या तीन साल में हो रहे हैं, और इनोकुलम कैसे स्प्रेड हो रहे हैं उससे रिलेटेड है। सिंगल साइकिल डिजीज और सिंपल इंटरेस्ट डिजीज। अब ये क्या है, ये जो ब्याज से रिलेटेड, मतलब ब्याज जो हम लोग जानते हैं कि जो भी पैसा किसी को देते हैं तो उसका एक महीने में कितना उसका इंटरेस्ट बढ़ता है उससे रिलेटेड है। तो सिंगल साइकिल डिजीज और सिंपल इंटरेस्ट डिजीज, इन सिंगल साइकिल डिजीज द इंक्रीज ऑफ द डिजीज इज मैथमेटिकली एनालॉगस टू सिंपल इंटरेस्ट डिजीज। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में किसी का भी जो भी पैसा देते हैं थर्ड पर सेकेंड पर्सन को, तो उनका जैसे ब्याज बढ़ता है, तो उसी तरह कहने का मतलब इसमें भी यही है सिंगल डिजीज की जो इनोकुलम का जो स्प्रेड होता है वो जल्दी फास्ट होता है, मतलब उसका जो बढ़ने का जो क्षमता होता है वो मैथमेटिकली सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही एनालॉगस होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मल्टीपल साइकिल और कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या है, इसका क्या है
जो इंक्रीज इन डिजीज मैथमेटिकल, इसमें भी क्या है, जैसे भी मनी का जो इंटरेस्ट जैसे बढ़ता है उसी के जैसा मल्टीपल, मतलब उसमें इसमें क्या है, इनोकुलम। अब इनोकुलम क्या होता है, पार्ट ऑफ द पैथोजन, ठीक है, जो किसी भी डिजीज ऑकर करते हैं, पार्ट ऑफ द पैथोजन विच फर्स्ट अटैक द होस्ट प्लांट, ठीक है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल साइकिल में उनका इंटरेस्ट, उनका जो एबिलिटी होता है वो मल्टीप्लाई, मतलब ज़्यादा उनका मल्टीप्लाई करने का क्षमता होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया, मल्टीपल साइकिल पोलियेटिक डिजीज। ये क्या है, दे कंप्लीट देयर डिजीज साइकिल इन मोर देन 1 ईयर। मल्टीपल में क्या, आप 2 बार में इनका डिजीज साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इनका जो भी प्रोसेस है। सिंगल में 1 बार में इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और पोलियेटिक डिजीज में क्या है, इनका लाइफ साइकिल है 2 साल से अधिक, या मोर देन 1 ईयर, मतलब ये 2 साल या 3 साल से भी ज़्यादा अधिक ये टाइम लेते हैं अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, किसी भी होस्ट प्लांट्स में अपना ये अटैक करने में इनका लाइफ साइकिल जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसी से रिलेटेड ये भी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, सेडार एप्पल, आगे देखते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट्स अफेक्टेड, मतलब लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक, ये किस प्लांट पार्ट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। लोकलाइज्ड मतलब इफ़ दे अफेक्ट ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड प्लांट्स पार्ट्स। और अगर सिस्टेमिक, अगर इफ द इंटायर प्लांट इज अफेक्ट, अगर पूरे प्लांट पार्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक। जैसे डाउनी मिल्ड्यू और डैम्पिंग ऑफ। आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म, किस कॉजल ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर फंगल डिजीज है तो कॉज्ड बाय प्लांट पैथोजेनिक फंगी, जैसे एंथ्रैक्नोज डिजीज होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। ये ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आप लोग पैनिक नहीं होंगे और एग्जाम्स में इसको अच्छे से आप लिखेंगे, ठीक है। आंसर, कॉज्ड बाई प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर। वायरल डिजीज, कॉज्ड बाई प्लांट वायरसेज, राइस टूमर, ठीक है। ये कॉजल ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है, किस ग्रुप में आते हैं, ठीक है, उस पर ये क्लासिफिकेशन है। फंगल में आते हैं, बैक्टीरियल में आते हैं, वायरल में आते हैं, या फैनरोगेमिक पाइटोपैथोजेनिक डिजीज। फैनरोगेमिक मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे मतलब फैनरोगेमिक प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पे आश्रित होते हैं प्लांट्स पे, ठीक है, और उसी पे रह के, उसी होस्ट प्लांट पे रह के उसी को डिजीज लेटर ऑन उस पर डिजीज इम्पैक्ट करते हैं, उसी पे प्रभाव डालते हैं अपना, ठीक है। कॉज्ड बाई फैनरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स, कुछ जैसे कि वो पैरासाइट्स होते हैं दूसरे पे आश्रित होते हैं अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, और उसी को नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे एस्ट्रिगा कस्क्यूटा, आगे भी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। नेमाटोड डिजीज, डिजीज कॉज्ड बाई प्लांट पैथोजेनिक नेमाटोड्स, ठीक है, वो किसमें, ईयर कॉकल ऑफ व्हीट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। तो तीसरा की लास्ट क्या है आपका, सेकंड लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस एंड कॉन्सिक्वेंट, मतलब ऑकरेंस के बेसिस पे एंडेमिक होते हैं, स्पोरोडिक है, पैंडेमिक है, वही चीज़ है। एंडेमिक मतलब एंड डिजीज डिजीज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रिवेलेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर इन अ मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म इन पर्टिकुलर कंट्री, मतलब किसी पर्टिकुलर देश में, किसी पर्टिकुलर देश के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में डिजीज जब मोर और लेस, ज़्यादा या कम प्रिवेलेंट है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा या कम किसी भी क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है, मतलब पूरे देश में ना हो कि किसी देश के पर्टिकुलर एरिया में हो रहे हैं, ठीक है, बट ज़्यादा कम उसी में देश में, उसी पर्टिकुलर एरिया में हमेशा हर साल वो डिजीज ऑकर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, अवार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो इज एंडेमिक टू दार्जिलिंग, मतलब ये जो अवार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो है दार्जिलिंग में, एंडेमिक डिजीज मतलब के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि हर साल वहाँ पे ये डिजीज ऑकर हो ही जाते हैं। तो क्या है, ये इंडिया के किसी एक किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में जब डिजीज ऑकर होते हैं, ठीक है, कम या ज़्यादा स्केल में, तो वो क्या कहलाते हैं, एंडेमिक, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है आर्थनिक। स्पोरैडिक डिजीज ऑकर्स एट इरेगुलर इंटरवल्स एंड लोकेशन, ये किसी किसी जगह पे ये डिजीज इरेगुलर टाइम पे ऑकर होते हैं, ठीक है, ये पूरे मतलब हम डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, हम इसे आप ये कह सकते हैं, क्या है ये कि कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, और ये क्या है किसी स्टेट के अंदर में, स्टेट, ठीक है, और स्पोरैडिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पैंडेमिक महामारी, ये क्या है, ये कंट्री, पूरे कंट्री में डिजीज ऑकर होते हैं, या कंटिनेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस डिजीज ऑकर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कॉज मास मोर्टेलिटी, जब पैंडेमिक जब डिजीज ऑकर होते हैं तो क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल में डिजीज ऑकर होते हैं, और मास मोर्टेलिटी और लार्ज स्केल पे क्या होता है, मतलब डेथ होता है, लार्ज स्केल पे उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो
किस प्रकार का डिजीज है, पैंडेमिक है या स्पोरेडिक है या एंडेमिक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। या व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो, व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो जो है यह कैसा है, एंडेमिक है या स्पोरेडिक है पैंडेमिक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे ब्लाइट्स, रस्ट, एस्पोरेडिक, किसी किसी क्षेत्र में इरेगुलर टाइम पे इंटरवल पे ऑकर होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एस्पोरेडिक बोला गया है। और ये नीचे का जो है इसी का पार्ट है, कंटिन्यूड है, एपिडेमिक बोले या फाइटोटिक या एंडेमिक एक ही चीज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी किसी क्षेत्र में ऑकर होते हैं किसी टाइम पे और किसी टाइम पे ऑकर नहीं होते हैं। ठीक है, पैंडेमिक वही थ्रू आउट द कंटिनेंट और सब कंटिनेंट रिजल्टिंग इन मास मोर्टलिटी, जब लार्ज स्केल पे उसका इफेक्ट होता है तो उसे हम पैंडेमिक डिजीज कहते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लास्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन्स अफेक्टेड, फ्रूट डिजीज, रूट डिजीज। मतलब पहले हमने एक पढ़ा था प्लांट पार्ट्स, मतलब लोकलाइज्ड पार्ट या सिस्टमिक, लोकलाइज्ड मतलब किसी पार्टिकुलर, वो उसी का फर्दर क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं लोकलाइज्ड मतलब फ्रूट डिजीज या रूट डिजीज, लीफ डिजीज और सीडलिंग डिजीज। अगर फ्रूट को केवल उसके फ्रूट के पार्ट्स को में डिजीज ऑकर हो रहा है तो उसके फ्रूट और उसके ऑर्गन्स, कौन सा ऑर्गन्स लॉस हो रहा है, फ्रूट का। इन दिस डिजीज फ्रूट्स आर मेनली अफेक्टेड। ठीक है, इसमें फ्रूट्स जनरली इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। रूट डिजीज, इसमें रूट्स मेनली प्रभावित होते हैं, रूट रॉट ऑफ पपाया। ठीक है, और इसका क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम भी दिया हुआ है, किस पैथोजन के थ्रू ऑकर होते हैं, वेंटूरिया इनक्वेलिस, पाइथियम एफेनिडर्मेटम, अल्टरनेरिया गॉसिपिल। ओके, जैक साइंटिस्ट का नाम है तो इससे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सीडलिंग डिजीज, ओके, सीडलिंग डिजीज आर अफेक्टेड इन विच स्टेम एंड रूट टिश्यूज रॉट। ठीक है, सीडलिंग डिजीज कैसे प्रभावित होते हैं, जिसमें स्टेम और रूट होते हैं, वो क्या होते हैं, रूट टिश्यूज रॉट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। ओके, जो इसका कॉजल एजेंट का नाम क्या है, राइजोक्टोनिया स्पीसीज। आगे हम लोग स्लाइड में देखते हैं। अब हमारा ये जो नया जो टॉपिक शुरू हो रहा है, डिजीज ट्रायंगल। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे, समझ में आपको आएगा, ऑब्वियसली आएगा। आप इस चीज़ को एक बार दो बार रिपीट करें, समझें, और आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। और इन केस कोई भी आपको डाउट होते हैं तो आप बेशक मेरे से पूछें, किसी भी माध्यम से मैं आपको हर समय आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, बट आप टॉपिक को एक बार दो बार पढ़ें तो ऑब्वियसली आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।